शहर से दूर पुलिस लाइन में बने छोटे छोटे फ्लैट में रहने वाले पुलिस परिवारों के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करना बहुत कठिनाइयों भरा होता है। खासकर छोटे छोटे कमरों में रहकर बच्चों को पढ़ना कितना मुश्किल होता है, तो यहाँ रहने वाले बच्चे ही ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। लाइन के बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या उनके लिए ट्यूशन की है। शहर से दूर होने के कारण बच्चों को, खासकर बच्चियों को, ट्यूशन या किसी कोचिंग सेंटर पर जाकर पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल भरा होता है। लाइन में निवासरत बच्चों में आज खुशी का ठिकाना न रहा जब उनके लिए स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण में लर्निंग सेंटर का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के कर कमलों से हुआ। खोला गया लर्निंग सेंटर पुलिस परिवारों के बच्चों के भविष्य निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। ये बात धार पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने पुलिस महानिदेशक की महत्वाकांक्षी लर्निंग सेंटर योजना का शुभारंभ करते हुए कही। लर्निंग सेंटर पर उपस्थित बच्चों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आपकी शिक्षा के लिए यहाँ रखी हुई हर किताब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किताब में ही सब कुछ है। अभावों के बीच पढ़ रहे DRP लाइन के बच्चे लर्निंग सेंटर पर आकर अपना टैलेंट निखारेंगे, तभी यह सेंटर सार्थक साबित होगा। लर्निंग सेंटर पर बच्चों को पढ़ने के लिए हिंदी, इंग्लिश, समाचार पत्र, प्रतियोगिता से संबंधित मंथली मैगजीन, सभी प्रकार की पुस्तकें तथा वर्तमान में 2 कंप्यूटर रखे गए हैं, जिन्हें आवश्यकता अनुसार बढ़ाए जाएंगे। लर्निंग सेंटर पर बीच बीच में विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं को यहां लाकर उनकी स्पीच कराई जाएंगी, ताकि उससे यहां के बच्चे मोटिवेटेड हो सके। सेंटर पर मनोचिकित्सक डॉक्टर आयुषी सिंह को भी आमंत्रित किया गया है, जिनसे बच्चों की काउंसलिंग भी कराई जाएगी। कार्यक्रम के अंत में पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित बच्चों को नोटबुक, पेनबुक व ट्रॉफी प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। जी, हमारे महानिदेशक महोदय और हमारे SP साहब के निर्देशन में हमने ये सब तैयार किया है बच्चों के लिए। इसमें हमने पुलिस कर्मचारियों के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर, इंग्लिश और हिंदी मंथली मैगजीन है, प्रतियोगिता से संबंधित है। इसके बाद में उनके पास लाइब्रेरी में किताबें सभी प्रकार की अवेलेबल हैं। यहाँ कंप्यूटर है हमारे पास में 2, जिसमें वो टाइप कर सकते हैं, नेट वेट चलाना सीख सकते हैं, कुछ और भी चीज़ें वो सीख सकते हैं। यहाँ पर हम महीने में एक बार उनका एक टेस्ट भी हम यहाँ पर करवाएंगे, जिसमें कि बच्चों का जनरल टेस्ट होगा कि वो कितना आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह की उनके अंदर विकास हो रहा है। इसी बीच में हम बीच बीच में जो पर्सनालिटी हैं, सक्सेस, हमारी जो प्रतिभाएं हैं जो सफल हो चुकी हैं, उनको भी लाकर यहाँ पर उनके मोटिवेशनल स्पीच कराने का वो है, जिसमें आगे 2 दिन बाद ही हम लोग यहाँ पर एक मनोचिकित्सक को बुलाकर, डॉक्टर आयुषी सिंह है, उनको बुला के यहाँ पर बच्चों से काउंसलिंग कराना है और उनके स्टडी में किस तरह से वो सहायक हो सकता है, किस तरह की उनको काम करना है, तो वो चीज़ भी वो बताएंगी। इस तरह के काफ़ी प्रयास आगे हम करते रहेंगे बच्चों के लिए, और DG साहब की निश्चित रूप से हम बहुत बहुत थैंकफुल हैं कि उन्होंने इतना अच्छा सोचा बच्चों के लिए। थैंक यू। हाँ, मेरा नाम पुरुषोत्तम बिश्नोई है और मैं रक्षित निरीक्षक हूँ धार पुलिस लाइन में। थैंक यू। अभी मेरा BCOM फाइनल ईयर चल रहा है, मैं BCOM प्लस CA चल रहा है फाइनल ईयर। बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, हम लोगों ने दूसरी जगह लाइब्रेरी जाके ज्वाइन किया था, वहाँ पे भी कभी कभी सीट्स अवेलेबल होती थी तो जा पाते थे, अदरवाइज नहीं होती थी तो वो लोग कह देते थे कि शाम को आना। शाम में कभी थोड़ा बहुत लेट होते थे तो वहाँ भी डिस्टर्बेंस नहीं कर पाते थे और बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था। तो जो पैसे हम वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे, उन पैसों से अब हम बुक्स खरीद सकते हैं खुद के लिए और पढ़ सकते हैं। सब बहुत बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा प्रॉफिट हम ही लोगों को है और बहुत खुशी हुई सर। ख्याल घर के पास में भी है। मेरा नाम दिव्या तिवारी है। देखिए, हमारे DG साहब की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी कि पुलिस लाइन में एक ऐसा लर्निंग सेंटर सब सुविधायुक्त बनाई जाए, जहां पुलिस वालों के बच्चे आकर के अपना स्टडी 24/7 कर सकें। जहां तक ये विजन है साहब का, बहुत ही मार्गदर्शी है, बहुत ही प्रेरणादायक है, क्योंकि हमारे पुलिस परिवार के बच्चों के लिए उनके घरों में सुविधाएं कम होती हैं, छोटा मकान मिलता है, बच्चों में टैलेंट बहुत होता है, उस टैलेंट को निखारने के ख्याल से यह लर्निंग सेंटर, मुझे पूरी उम्मीद है जो DG साहब के प्रेरणा से, IG साहब के मार्गदर्शन से बन के तैयार हुआ है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके करियर निर्माण के लिए बहुत ही सार्थक और सही साबित होगा।
मुझे उम्मीद है कि पुलिस लाइन के बच्चे, पुलिस वालों के बच्चे इसका लाभ उठा करके अपने करियर के निर्माण में अच्छा करेंगे और इसका लाभ उनको मिलेगा। इसके उद्घाटन के अवसर पर मैं आरआई को भी बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ, जिन्होंने बहुत मेहनत करके तहे दिल से बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक स्वच्छ और सुंदर माहौल का निर्माण किया है लर्निंग सेंटर के माध्यम से, ताकि बच्चे यहाँ बैठ करके पढ़ाई कर सकें। तो मैं पुनः डीजी साहब का बहुत आभारी हूँ, इन्होंने इस ख्याल से, इस विजन से हमको निर्देश दिया, इसको पूरा करने में हम लोग सक्षम हुए, सार्थक हुए, ताकि बच्चों का भविष्य निर्माण हो सके। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।